की थी नबी अल्लाह मेरी अम्मी भी टुर गई पा भी टुर गया अर्ज की थी सोने दुआ को दुआवा लेंदा रहा अर्ज की थी लाजपाला एक दिन मैं समंदर की सैर पिया करता सा एक सफेद रंग का मोती का महल वेखे आओ महल के अंदर चला गया ओ दिन गया अज आया मैनू नहीं पता जमीन ते बसना के आसमान ते बसना अल्लाह दे नबी ने पर मैं खाता की है पींदा की है अर्ज करदा सुने जद प्यास लगती है एक नहर चलती है पानी पी लेना दुध ते शहर ते पानी का लुत्फ आ जाता है जो भुख लगती है वे लगती है ये फल लगता मैं खा लेना सारी कहना दी हर चीज के खावा का लुत्फ आ जाता है अल्लाह दे नबी ने पर मैं नौजवाना समंदर दिया नर टैमा च रहना जिथे जिन्हों का सरदार नहीं जा सके आपने फरमाया तेरे मापिया दिया दुआवां कबूल हो गई फरमाया ओ नौजवाना 2000 साल तू समंदर दिया टैमा च वसना है इन्हें दस तेन कदे गोता नहीं लगया तेरे सिर ते कदे पानी क्यों नहीं चढ़िया ओदिया चीखा निकल गई हथ जोड़ के कह लगा नबी अल्लाह आप ही तो कहते हो मापिया दिया दुआवां कबूल हो गई ने ते जिथे मापिया दिया दुआवां हो जान उथे ते चढ़े पानी भी लथ जाते महल दे अंदर गए वेख्या कि बड़ा सोहना जिहा नौजवान ते तस्बीह पिया पड़े आप दे करीब जाके फरमांदे ने अस्सलामु अलैकुम उन्हें अग चुके वेख्या कह लगा नबी अल्लाह वालेकुम सलाम हजूर बह जाओ फरमाया कदों दा है कह लगा मैं हजरत इब्राहिम अलैहि सलाम दे दौर दा नौजवान आपने हिसाब करके देखा तो उम्र तकरीबन 2000 साल बनती थी आपने फरमाया समंदर दिया तैवां च रह के इबादत पिया करना इत्थे किवें पहुंचे हुण सुनो कहानी नौजवान ने रोके अर्ज की थी नबी अल्लाह जदों मैं जवान आया मेरी वडेरी जी मां बीमार हो गई अर्ज की थी नबी अल्लाह मैं अपनी मां की खिदमत करता रहा जेड़े वेले मेरी मां का आखिरी वेला आया अम्मा कहन लगी वे पुत्र आया जाओ जरा जांदी वार मां दे सीने लग जाओ मैं रब नाल दो गल्लां करनियां आने अर्ज की सोने मैं मां दे सीने ते लेट गया अम्मा ने सीने ला के अर्ज की अल्लाह मैं तुर चली मेरे पुत्र ने मेरिया बड़िया खिदमत कीतिया ने मेरे बाद इन्हों किसे मावां वालिया दुआवां नहीं देनियां मैं दुआ करनी या अल्लाह मेरा पुत्र दोज़खी ना बने मेरे बाद मेरे पुत्र नूं अपनी इबादत दी तौफीक देनी या अल्लाह नमाज़ी भी रवे इबादत गुजार रवे अर्ज की सोनिया मां ने दुआ की अजे मां दे सीने ते लेटे आओ ते मेरी मां दी रूह परवाद कर गई पन बाजुआ वाले ओ दुआ करया करो किसे दी मां ना मरे मरना ते सारे आने वे पर किसे दी मां ना मरे ऐ बड़ी तदियाड़ा गुजरिया सारी दुनिया नवे सूट पा के खुशियां पई मना दी है पर जिन्हां दी मावां टुर गईयां ने ओ कब्रिस्तान जाके मावां दियां कब्रां ते ईद वाले दिहाड़े भी पे रोंदे सन उन्हां नूं मां दियां यादां पईयां सतांदियां ने आरवे कड़ी फरमांदे ने मावां वाले मावां दे कोले फरियाद लै जांदे आए पर मोया मावां वाले रो रो आपे चुप कर जांदे अर्ज की नबी अल्लाह मेरी मां दा भी छोड़ा आ गया हुण बाप रह गया मैं बाप दियां खिदमतां करदा रहा अर्ज की लजपाला जिहड़े वेले मेरे
आया पुता भी आखरी बेला आया पाप ने भी आख्या पुत्राया जा जरा जाती वार पाप दे सीने लग जाओ मैं रब नाल दो गल्लां करनी आने अर्ज की सुने मैं पाप दे सीने ते लेट गया मेरे अबू ने सीने ला के अर्ज की आना एदी मां दुआ दे गई वो भी राधी गई है मैं भी राधी चले आवा मां ने दुआ दी सी रबा मेरा पुत्र इबादत गुजार रवे मैं पापों की हसीयत ना दुआ करना मेरे पुत्र ने उठे इबादत की तौफीक देनी जिथे शैतान पहुंच ना सके अर्ज की नबी अल्लाह बाप ने भी दुआ की ते मेरे बाप की रूह भी बर्बाद कर गई मियां साहब फरमा देने मां मरे ते मापे मुक दे ते वीर मरने बेड़ा वेला ते बाप मरे मुहम्मद बादशाह ए मुक जादा जे मेला अर्ज की नबी अल्लाह मेरी अम्मी भी टुर गई बाप भी टुर गया अर्ज की सोने दुआ को दुआव लेंदा रहा अर्ज की लाजपाला एक दिन मैं समंदर की सैर पिया करता सा एक सफेद रंग का मोती का महल वेखिया महल के अंदर चला गया वो दिन गया अज आया मैनू नहीं पता जमीन ते बसना के आसमान ते बसना अल्लाह के नबी ने पर मैं खाता की है पीता की है अर्ज करता सुने जब प्यास लगती है एक नहर चलती है पानी पी लेना दुध के शहर से पानी का लुत्फ आ जाता है जो भुख लगती है कवे लगती है ये फल लगता मैं खा लेना सारी कहना हर चीज के खावा का लुत्फ आ जाता है अल्लाह के नबी ने परमा नौजवाना समंदर दिया टैम च रहना जिथे जिन्हों का सरदार नहीं जा सकया आपने परमा तेरे मापिया दिया दुआव कबूल हो गई फरमाया ओ नौजवाना 2000 साल तू समंदर दिया टैम च बसना है इन्हें दस तेन कदे गोता नहीं लगया तेरे सिर ते कदे पानी क्यों नहीं चढ़िया ओदियां चीखा निकल गई हाथ जोड़ के कह लगा नबी अल्लाह आप ही तो कहते हो मापिया दिया दुआव कबूल हो गई ने ते जिथे मापिया दिया दुआव आ जान उथे ते चढ़े पानी भी लथ जाने दुआव जिथे मापिया दया हो चढ़े पानी लथ जाते मुसीबत दूर हो जाए जो मापिया दया दुआव आ जा मेरी मिलत है नौजवानों बनी इसराइल का पुत्र करे मापिया की खिदमत मां ते बाप करन दुआ ते पुत्र बने वली ते बलायत का दरवाजा ते रब अज भी बंद नहीं किया अज भी मापे दुआ करन ते पुत्र अज भी वली बन सकता है मां दी शान ते रोज सुन दिओ मैं तुहानू अज बाबे दी शान सुनावां बाप बड़ा मजलूम है शायरा ने कलाम लिखिया ते बाप मां दी शान च अदीबा ने अदब लिखिया ते मां दी शान च मुसन्निफीन ने तसनीफ लिखी ते ओ भी मां दी शान च यार सारे ते मां दी शान च लिखी पर रब ते रसूल ने बाप नूं महरूम नहीं रखिया मां दियां बड़ियां शानां ने इनी शान के अल जन्नत तहत अकदा मिलो महात जन्नत मां दे कदमा थले पर कदे गौर कीता जे पढ़े लिखे बैठे मेरी ते तुहाडी जन्नत मां दे कदमा थले ओ माई जी दे कदमा थले जन्नत है ना वो कपड़े सारी जिंदगी साढ़े अबू दे धोंदी है रोटी बाबे दी पकावे अम्मी साड़ी जुत्ती साड़े अबू दी पालिश करे साड़ी मां जिदे कदमा थले जन्नत है वह साढ़े अबू दे कम करके नाज ते फखर करे सच्ची दस्यो मेरी मिल्लत दे नौजवानों ओ यार जिहड़ी माई दे कदमा थले जन्नत है जिदियां ओ नौकरियां करदी ओ बाबे दी किन्नी कुछ आण होवेगी
कदमा थले जन्नत रखे ते कपड़े बाबे दे धोवे, कदमा थले जन्नत ते जुत्ती बाबे दी पालिश करे, रोटी बाबे दी पकावे। सच्ची दस शान की दी बोती है, मां दी बड़ी अदमत है। कुरान च रब ने मां की कसम तो नहीं ना चुकी, वाले ते रब ने बाप नू कह के कसम उठाई ना। अगली गल करा, पढ़े लिखे बैठे हो तुहानू बाप की अदमत दे हवाले ना मिठी जी नबी पाक की हदीस पाक दा मफूम अर्ज करा। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने अल अदबुल मुफरद के अंदर जड़ी नबी पाक की अहदीस मापिया की शान च लिखियां, मैं उन्हां दा मफहूम अर्ज कर रहा। हाजी हज करन गए ना, अल्लाह सारे नसीब च करे। जड़ा जड़ा हाजी आवेगा ना, नबी पाक ने फरमाया हाजी के घर जावन तो पहले पहले उहदे कोलों अपनी बख्शिश की दुआ कराया करो, क्योंकि हाजी जदों हज करके आउंदा बख्शिया बख्शाया इंज जिवें मां दे शिकम चो अज पैदा होया। फरमा घर जाके किधरे फिर दुनियादारी करके कोई गुनाह ना कर लवे, ते गुनाह करन तो पहले पहले उहदे कोल बख्शिश की दुआ करिया करो। फरमाया जिहड़ा हाजी जिहदे बख्शिश की दुआ करेगा रब उहनूं भी माफी अता कर देवेगा। इन्नी फजीलत है हाजी दी, इन्नी फजीलत। अगर मैं हज करां ते वक्त अलहदा दरकार है, इंज करियो हाजी आ रहे ने हज करके। सियालकोट के एयरपोर्ट पे, लाहौर के एयरपोर्ट, इस्लामाबाद या किस एयरपोर्ट पे खड़े हो जो, ते जड़े हाजी साहब आमन उन्होंने पूछा जी हाजी साहब लखा रुपये खर्च करके आयो, उत्थे गर्मी च जाके पहाड़ों ते दौड़ा लगा के आयो, इन्नी गर्मी के कई हाजी गर्मी की वजह तो फौत हो गए। इतनी मेहनत ना हज करके आयो, लखा रुपये खर्च करके गए, सर्टिफिकेट से विखाओ जरा सऊदी अरब वाले तुहानू दिता है कि हाजी साहब जाओ बड़ी गर्मी च हज करके चले हो, तुहाडा हज कबूल है। हाजी साहब कहेंगे कोई सनद कोई गारंटी कोई सर्टिफिकेट नहीं, हज कर आया कबूल है कि नहीं ये रब नू पता है। लगया कि काबे हज करके आवे पता नहीं कबूल के नहीं। मेरे नबी ने फरमाया जेड़ा मेरा गुलाम सुबह उठ के अपने बाप दा चेहरा वेख के मुस्कुरा देवे, ए नहीं फरमाया अबू दे कदम दबावे, ए नहीं आके सवेरे उठ के अबू नु सलाम करके हाल अबू दा पूछे, अबू दी जेब च कोई 150,000 रुपया खर्च सुबह दा पा देवे कि अब्बा जी तुहाडे दिन दा खर्चा, नहीं 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 नहीं। मेरे नबी ने फरमाया जेड़ा सवेरे उठ के सिर्फ अपने अबू दा चेहरा वेखे ते मुस्कुरा देवे, यानी अबू नु वेख के मत्थे तिउड़ी ना पावे, अबू नु वेख के मत्थे बट ना पावे, ओदी ते गल ही नहीं ना जिन्नू मां ते बाप दे अदब दा पता नहीं, गल ओदी है जड़ा अदब वाला। मेरे आका ने फरमाया सवेरे उठ के बाप दा चेहरा वेख के मुस्कुरा देवे, अल्लाह दे नामे अमाल च एक कबूल हज ते दो उमरियां दा सवाब लिख देदा। काबे गया तेरा हज हवरे कबूल होवे कि ना होवे, सवेरे उठ के अबू नू वेख कबूल हज दा सवाब। ओ पिछू आवाज आई कमली वाला जड़ा रोज अबू नू दो बारी वेखे, मेरे नबी फरमा दो हजों का सवाब। उधरों आवाज आई यार रसूल अल्लाह जड़ा रोज अबू नू तीन बारी वेखे, मेरे आका ने फरमा तीन हजों का सवाब। इधरों आवाज आई यार रसूल अल्लाह जड़ा रोज अबू नू चार बारी वेखे, मेरे सरकार ने फरमाया केड़ी तीन से चार की गिनती च पै गए हो। फरमाया मेरे मालिक के घर कोई घाटा है। फरमाया रोज अबू नू सौ बारी वेख्या कर, रब सौ हज दे सवाब अता करेगा। तेरा काबा किबला हज तेरे वेड़े दे अंदर। ओ बोले जेड़ा अबू नू प्यार नाल बोलदा है, ओ यार सारे दे पाप बाप दे सिर ते साए सलामत रहन, उच्चा बोलो सुभान अल्लाह। आरबे कड़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे ने बागां दे विच, बागां दे विच हरियल तोता फिरदा डाली डाली, जिन्ना बागान मर जान माली फिर रबे आना ए, जिन्ना बगान मर जान माली
फिर रबे वाली पूछे आज लखों जिन्हों के पाप टुर गए नौजवानों जब पाप टुर जाओन इंज लगता जिम्मे समान तू इलावा मेरे ते सिर ते साया ही कोई नहीं और जब पाप जिंदा आन पुछ किसे यतीम कोलो प्यो अपने जिंदा आन भजन इंज लगता जिम्मे सारे बाजार के खिलौने ही मेरे नहीं तजी दे हाथ रखा मेरे जाना है पर जब पाप टुर जान वो दुनिया उजड़ जाती लोगों नौजवान दुनिया का मेला ही उजड़ जाता जाए जिन्ना बागां दे भाई सारे बोलो जन्नत के किन्ने दरवाजे अठ 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 पूछा गया सी यार सुन ला रोजेदार ते रोजे वाले दरवाजे चो जाना नमाजियां नमाजे आने वाले दरवाजे चो जाना है सखियां ने सखी वाले दरवाजे चो जाना है को ओ भी होवेगा जिन्नो अठ दरवाजे चो आवाज पावेगी इधरों आ जा फरमा इक्को ही मेरा अबूबकर सिद्दीक जिन्नो जन्नत के अठ दरवाजे चो आवाज आवेगी इत्थों गुजर है जन्नत अठ दरवाजे मेरे आका ने फरमाया जन्नत मां दे कदमा थले दे अठ दरवाजे हजूर ने फरमा किसे जन्नत दा मेन गेट वेखना मेन दरवाजा बहिश्ती दरवाजा अर्ज कीती जी या रसूल अल्लाह मेरे नबी ने फरमा घर जाके अपने अबू दा चेहरा वेख फरमा बाप बहिश्ती दरवाजा ते जन्नत दा मेन गेट भाई मेन गेट बाबे फरीद ने पाक पतने च बहिश्ती दरवाजा बनाया बिस्मिल्लाह जी बाबा जी समझ नहीं आ रही जी बाबा जी कहते हैं समझ आनी चाहिए ग्रामी बाबा जी भाई बुजुर्गों जरा घट समझ आती है समर च इस वास्ते थोड़ा जहाँ इन्होंने वास्ते सू मैनू तो साउंड वाले मैनेज करना पैदा तवज्जो है थोड़ी सारे अच्छा जिन्होंने समझ आ रही हो तो बोलो सुभान अल्लाह रो तो ना मारो उच्चा बोलो चौर साहब मैं गया बाजवा साहब रहीम यार खान मैं उन्होंने आख्या रोंद ना मारो वो एक दूसरे ने पूछा लग पे रोंद की होंदा है तो तुहानूं ते पता तुसी मारदे रहिंदे हो तुसी ना रोंद मारो तू चुप लो सुभान अल्लाह बाबे फरीद ने पाक पतन च बहिश्ती दरवाजा बनाया ना ते लोग कहंदे ने ए ए ए बहिश्ती दरवाजा कित्थों आ गया जन्नत या समान तूते वे ते बहिश्ती दरवाजा पाक पतन किवें आ गया लोग कहंदे ने उत्थे ना जाया जे गल सुनावा एक फरीद दी मेरे हजूर सैयदना व मौलाना व औलाना इमाम रब्बानी कुतुब रब्बानी कयूम जमानी हजरत शेख अहमद सरहंदी हजरत सैयदना मुजद्दद अलिफ सानी रजी अल्लाह तआला अन्हु आप जेडे नाई कोल कटिंग करांदे सन ना ओ दाढ़ी दा खत्म बरक बनवांदे सन ओ नाई नु आपने एक दिन पैगाम भेजा कि मेरी दाढ़ी दा जरा खत बना जा ओ बाबे फरीद ना करदा सी प्यार उन्हें पैगाम भेजा जी बाबे फरीद दा उर्स मुबारक शुरू है ते मैं चलिया पाक पतन शरीफ में बहिश्ती दरवाजे चो गुजरना है ये ओ दरवाजा है हजरत उलमाए किराम बुजुर्गान ने दीन फरमाते ने इस दरवाजे चो सा बड़ी बारी कमली वाले नो आउंदे हां जांदे हां वेख्या है इस वास्ते नु बहिश्ती दरवाजा किया जांदे है नाई ने आख्या कि मैं हजूर जदों पाक पतन उर्स तो वापस आवांगा फिर आके तुहाडी कटिंग करांगा ते दाढ़ी दा खत आपने फरमा बेलिया टाइम केड़ा लगना जांदा जांदा कर जाउने आख्या ना जी मैं जाना आपने एक खत लेके ना ते मुरीद नु फरमाया एक खत मेरा नाई नु दे दे ओनू कवी के जदों तू बहिश्ती दरवाजा गुजरेगा ते तेरे सज्जे हाथ दाएं तरफ एक बाबा जी खड़े होणगे एक खत उन्हां नु दे के ते अर्ज करी नाले खत पढ़ लो ते नाले इसे खत दे पिछे जवाब भी लिख के दियो जवाब लेके फरमाया मुजद्दद पाक नू दे दे ओ नाई जदों आया सरहंद शरीफ इंडिया दे अंदर ते बाबा जी ने हजूर मुजद्दद पाक नू बुलाया दाढ़ी दा खत कर दे आपने फरमाया लिया बेलिया खत उन्हें खत खोलिया ते हजरत जिता ने मुजद्दद पाक रज़ी अल्लाह तआला पढ़ के मुस्कुरा पे मुरीद अर्ज़ कीती हजूर गल को समझ नहीं आई तुसा खत भेजा उधर जवाब आया मुस्कुराए भी हो तो एक गल की सारी गल सुनाओ फरमा मैं इन्हों पैगाम भेजा मेरी दाढ़ी का खत बना जा इन्हें आख्या जी मैं बहिश्ती दरवाजा लंघागा तो आके करांगा तो मैं खत लिखा बाबे फरीद नूं
ਬਹਿਸ਼ਤੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਗੁਜ਼ਰ ਕੇ ਸਜੇ ਹੱਥ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਨ, ਉਹੀ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਨ। ਤੇ ਮੈਂ ਖਾਤੇ ਚ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਇੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਹਿਸ਼ਤੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਕਈ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦੇ ਕੇ ਆਉਣੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਦਾੜੀ ਦਾ ਖਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਈ। ਤੇ ਬਾਬੇ ਫਰੀਦ ਨੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਭੇਜਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਨਾਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਇਹਨੇ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਾਂ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ, ਕੌਣ ਰੋਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬੇ ਫਰੀਦ ਬਹਿਸ਼ਤੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਜਾਂਦੇ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਰਹਿਮਤੁੱਲਾਹ ਅਲੈਹ ਦੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਹਿਸ਼ਤੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਜੰਨਤ ਤੇ ਆਸਮਾਨ ਤੇ ਵੇ। ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹਿਸ਼ਤੀ ਬੂਆ ਨਹੀਂ ਖਲੋਣ ਦਿੰਦਾ। ਫਰਮਾਇਆ ਬਾਪ ਬਹਿਸ਼ਤੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈ। ਫਰਮਾਇਆ ਮੈਂ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਘਰ ਘਰ ਬਹਿਸ਼ਤੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬਣਾ ਛੱਡਿਆ ਹੈ। ਬਾਈ ਬਾਪ ਬਹਿਸ਼ਤੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਦੀਵਾਲੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਜੰਨਤ ਦਾ ਮੇਨ ਗੇਟ ਤੇਰਾ ਬਾਪ ਹੈ। ਔਰ ਸੈਯਦ ਆਲਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਜੇ ਮਾਂ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਵਾਲੀ ਜੰਨਤ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੀ ਤੇ ਅੱਬੂ ਵਾਲੇ ਗੇਟ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੀ, ਇੱਥੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਹੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮਾਂ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਥੱਲੇ ਤੇ ਜੰਨਤ ਹੈ, ਪਰ ਕੰਧਾ ਟੱਪ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਬਾਪ ਵਾਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਚ ਗੁਜ਼ਰ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮਾਂ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਵਾਲੀ ਜੰਨਤ 'ਚ ਜਾਣਾ ਤੇ ਅੱਬੂ ਵਾਲੇ ਬੂਵੇ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੀ, ਤੈਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖੀ। ਮੇਰੀ ਮਿਲਤ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨੋ, ਸੁਣੋ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੀ ਮਿੱਠੀ ਜੀ ਹਦੀਸ ਦਾ ਮਫਹੂਮ। ਸੈਯਦ ਆਲਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਤਿੰਨ ਔਰ ਇਨਸਾਨ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਦਦੁਆ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਪਰਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਫਰਮਾਇਆ ਮੁਸਾਫਿਰ, ਇੱਕ ਫਰਮਾਇਆ ਬਾਪ, ਇੱਕ ਫਰਮਾਇਆ ਮਜ਼ਲੂਮ। ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਨਾ ਤਿੰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਦਦੁਆ ਤੋਂ ਬਚਾ ਜੇ ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਾਪ ਹੋ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ, ਔਲਾਦ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਨਾ ਫਰਮਾਨ ਹੋਵੇ ਕਦੇ ਨਾ ਵਾਸਤੇ ਬਦਦੁਆ ਨਾ ਕਰਿਆ ਜੇ। ਮਾਂ ਦੀ ਦੁਆ ਨਹੀਂ ਰੱਦ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਬਾਪ ਦੀ ਬਦਦੁਆ ਨਹੀਂ ਰੱਦ ਹੁੰਦੀ। ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਦੁਆ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਬਾਪ ਦੀ ਬਦਦੁਆ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਿਆ ਜੇ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਮੇਰੇ ਕੰਨ ਚ ਆਕੇ ਅਸੀਂ ਹਜ਼ਰਤ ਸਖੀ ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋ ਸੁਣਾਇਓ, ਸੁਣਾ ਦੇਵਾਂ ਅਦਬ ਤੇ। ਬੋਲੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਆਰਫਾਂ ਦੇ ਸੁਲਤਾਨ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਇਲਮ ਪੜਿਆ ਜਹਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਹੋਵਨ ਜ਼ਾਤ ਕਮੀਨੇ, ਹੋ ਪਿੱਤਲੋਂ ਕਦੀ ਸੋਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਚੜੀਏ ਲੱਖ ਨਗੀਨੇ, ਹੋ ਸ਼ੂਮ ਕੋਲੋਂ ਕਦੇ ਦਾਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਭਾਵੇਂ ਹੋਣ ਲੱਖ ਖਜ਼ੀਨੇ, ਹੋ ਬਿਨਾਂ ਅਦਬ ਨਜਾਤ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਕਾਮਿਲ ਬਾਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਮਰੀਏ ਵਿੱਚ ਮਦੀਨੇ, ਬਿਨਾਂ ਅਦਬ ਨਜਾਤ ਨਹੀਂ ਕਾਮਿਲ ਬਾਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਮਰੀਏ ਵਿੱਚ ਮਦੀਨੇ ਹੋ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਦੀਨ ਕੁੱਲਹੁ ਅਦਬ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਦੀਨ ਸਾਰਾ ਅਦਬ ਹੈ। ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਚੋਂ ਅਦਬ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਅਹਮੀਅਤ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸਤਾਦ ਦਾ ਅਦਬ ਨਾ ਕਰੇ, ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦਾ ਅਦਬ ਨਾ ਕਰੇ, ਨਬੀ ਦਾ ਅਦਬ ਨਾ ਕਰੇ, ਮਾਂ ਦਾ ਅਦਬ ਨਾ ਕਰੇ, ਬਾਪ ਦਾ ਅਦਬ ਨਾ ਕਰੇ, ਉਹਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੀ ਕਾਦਾ? ਕੌਣ ਹੈ? ਦੀਵਾਲੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਮਨ ਲਮ ਯਰਹਮ ਸਗੀਰਨਾ ਵਲਮ ਯੁਅਕਿਰ ਕਬੀਰਨਾ ਫਲੈਸਾ ਮਿੰਨਾ। ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਿਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ਫਕਤ ਨਾ ਕਰੇ ਤੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਅਦਬ ਨਾ ਕਰੇ, ਫਰਮਾਇਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਉਮਤ ਚੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਿਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ਫਕਤ ਤੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਅਦਬ ਤੇ ਇਹਤਰਾਮ ਨਾ ਕਰੇ। ਦੀਨ ਕੁੱਲਹੁ ਅਦਬ, ਬੇਅਦਬਾਂ ਨਾ ਮਕਸੂਦ ਨਾ ਹਾਸਿਲ ਤੇ ਨਾ ਦਰਗਾਹ ਢੋਈ, ਬਾਜ ਅਦਬ ਤੇ ਮੰਜ਼ਲ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਨਾ ਕੋਈ। ਲੋ ਬਾਈ ਆਖਰੀ ਹਦੀਸ ਬਾਪ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਚ ਸੁਣੋ ਤੇ ਮੈਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹਾਂ। ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਦੀ ਮਹਿਫਲ ਸਜੀ ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਆਇਆ ਤੇ ਆ ਕੇ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ, ਐ ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅਦਾਲਤ ਤੇ ਇੱਕ ਮੁਕੱਦਮਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ, ਅਦਲ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਵਾਲੇ ਨਬੀ। ਸੈਯਦ ਆਲਮ ਨੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਜੀ ਬੇਟਾ ਬੋਲੋ, ਕੀ ਮੁਕੱਦਮਾ, ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਆਇਓ? ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੱਬੂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਅੱਬੂ ਦੀ? ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਬੜੀ ਹੈਰਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ, ਨਬੀ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਚ ਬਾਪ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ? ਜਿਸ ਨਬੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਪ ਦੇ
अपनी मां का अदब सिखाया। उस नबी की बारगाह च अज नौजवान बाप की शिकायत लैके मुकदमा लेके आ गया। अबू जी वडेरे हो गए ने, मेरे सारे पैसे मेरे को लै लेंदे ने, आखिर मेरी भी औलाद है, मेरा भी को खर्चा है, मेरी भी बीवी है, तो मैं अपने खर्चे किवें पूरे करा। अबू जी हर महीने मेरे को पैसे लैंदे ने। नौजवान मेरे नबी फरमा तू इत्थे खलो। हजूर ने फरमाया सहाबा को नौजवान जान दे, एक सहाबी उठ के खलोगे, यही या रसूल अल्लाह मैं जाना। फरमाया दे अबू नू, अर्ज की या रसूल अल्लाह अबू नू भी जाना, मदीने के करीब एक गांव च रहंदे ने। हजूर ने फरमाया जा बाबे नू बुला के लिया। नौजवानों सहाबी रसूल गए थे, जाके बाबे का दरवाजा खटकाया, बाबा बाहर आया, कमर झुक गई, लाठी पे टेके, लक पे कंबे, मेरे करीम दा पैगाम देके अर्ज कीती, फरमाया बाबा जी मदीने तुहानू नबी पाक पे बुलांदे ने, किसी उम्रे का टिकट निकल आवे, हज की दरखास्त मंजूर हो जाए ना, मिठाइयां बनदा ते देगा पका के बनदा, लोग पूछन की होया, वो कहंदा मैनू नबी ने बुलाया। और जेड़ा 15 सदियां बाद जावे उन्हूं ते नबी बुलावे, ते जिन्हों वाकई नबी बुलावे, जिन्हों पैगाम टुर जावे चल तेनू आखा पे बुला दे। बाबे दियां ते निकल चीखा गई, रोंदा बाबा मदीने वाली टुर पिया, ते नाले रोवे ते नाले आखे कमली वाले, उन्हें रावां तू कुरबान जावा, जिन्हें रावां तू टुर के को तेरा पैगाम लेके आ जाए, मैनू कमली वाले बुलाए, जिन्हों रब अरशां ते बुला के मिलदा उन्हों नबी आप बुलावे, केड़ा खुश बख्त जिन्हों नबी बुला ले। कौन है दिवाली दे दरवाजे बल बाबा आ गया, मेरा ईमान कहंदा बाबा नाले आंदा होवेगा, नाले अरदा करदा होवेगा, सदा वसदा रबे तेरा दबारा या रसूल अल्लाह। हुन जेड़ा जेड़ा जांदा ओदा दबारा वसदा रवे, आओ नबी पाक दे दबारे दियां खैरां मंगो, मंगदियां दा कामे हुंदा कहना सखिया तेरी खैर होवे, तेरा बुआ वसदा रवे, तेरे बच्चियां दी खैर होवे, जेड़ा नबी दा मंगता बन गया हाथ खड़ा करके नबी दी नौत पड़े, मिलके सारे पढ़ो सदा वसदा रवे तेरा दबारा या रसूल अल्लाह, सदा वसदा रवे तेरा दबारा या रसूल अल्लाह, जिथे होदा गरीबादा गुजारा या रसूल अल्लाह। नौजवानों बाबा जड़े वेले मस्जिद नबी दे दरवाजे च आया, उन्हें दरवाजे की चौखड़ पड़ ली, कहन लगा कमली वाले आ लखा सलामायों, सोनिया मैं बड़ा बुखुश नसीब जिन्हों खुदा अरशां ते बुला के मिल दे, उस नबी ने मैनू अपनी बारगाह च बुलाया, अर्ज कीती कमली वाले मैं हाजिर आ, मेरे नबी ने बाबे नू करीब बुलाया। बाबा जड़े वेले आ गया, मेरे अक ने अर्ज कर दे या रसूल अल्लाह, जरा फरमाया जे क्यों बुलाया है, मेरी जान भी कुर्बान है। नबी करीम ने फरमाया बाबा ऐ नौजवान तेरा की लगदा है, सुनो दिल ते हाथ रख, फरमा नौजवान तेरा की लगदा है। बाबे जड़ा जवाब दिता ना, पहलो एक बारी पुत्र वाल वेख के, एक बारी नबी पाक वाल वेख के, कहंदा कमली वालिया ए मेरी जान है, ये पुत्र मेरी जान है। सहाबा रोन लग पे, मेरे आका ने फरमा बाबा फिर आ जड़ा तेरी जान है ना, ये पुत्र आज तेरी शिकायत लेके मुहम्मद बुवे आए, अजे मुकदमे का फैसला नहीं होया, अजे मुकदमा पेश नहीं होया, ते अचानक जिबरील आ गए। जिबरील ने अद की यार सुन ला फैसले बाद, मुकदमा बाद
चीख निकल गई ते रो के कहन लगा तू वाकई सच्चा नबी है। फरमा बाबा जी क्यों? बाबा कहन लगा कमली वाले शेर ते अजे मेरे कन्ना ने भी नहीं सुने, अजे ते मेरे दिल विच ने जिहड़े मैं पुत्र दे दुखड़े फोले ने। अर्ज़ कीती या रसूल अल्लाह तुसी वाकई दिलां दीआं जाणदे हो? मेरे आका ने फरमा बाबा नबी हुंदा ही होवे जिहड़ा बैठा फरश ते होवे ते गल अर्श तो पार दी सुना देवे। फरमाए बाबा शेर सुना, दुखिए दी गल दुखिए जाने, सुखिए नू की खबरां, यार जिन्हां दे मौत ने मारे तक तक रोंदे कबरां। मेरे आका ने फरमा बाबा तू दुखी है ना, अपने पुत्र दे दुख मैनू सुना, शेर सुना। नौजवान बाबे ने शेर सुनाए नाले रोंदा है, नाले रो के अरदा करदे कमली वालिया जदों मैं जवान सां मेरी शादी हुई मैं अल्लाह दी बारगाह दिन भी अरदा करदा रहा ते राती भी अरदा करदा रहा, या अल्लाह मैं एक पुत्र दे दे। अर्ज कीती कमली वालिया मैं पुत्र दियां दुआवां करदा रहा। मियां साहब फरमांदे ने सिख पुत्रां दी डाडी होंदी, सिख पुत्रां दी डाडी होंदी ते आखन लाग सियाणे नबियां भी मंगे कर कर उजर बहाने। अर्ज करदा कमली वाले मैं पुत्र दियां दुआवां करदा रहा, अल्लाह ने मैनू सोना जिहा लाल दिता। अर्ज करदा कमली वाले आओ ए मेरी खुद च पहली वार आया ते मैनू इंज लग्या मैं अपने आप नू चुक लिया। कमली वाले मैनू जान लगदा इंज लगदा जिवें मेरी रूह इहदे च वसदी है। अर्ज कीती कमली वाले आओ ए बच्चा मैनू अपनी जान च भी प्यारा हो गया। कमली वाले आए रोंदा सी मैं रोंदा सा, ए हसदा सी मैं हसदा सा। कमली वाले आओ इहदे मरण दे खौफ नाल मैं जूंदा ही मर जांदा रहा। इहनू बुखार रोंदा सी सारी सारी रात दे सराने बैठे रोंदा रहा। अर्ज कीती कमली वाले आ अपने लबां च लुकमे निकाल के मैं इहदे लबां च पा के नू पारदा रहा। अर्ज कीती कमली वाले आ ए अरब दियां पहाड़ियां गवां ने इहनू मोढ़ियां ते चुके मैं दिन ते रात फिरदा रहा। कमली वाले आ फिर ओ भी बेला आया ए लड़क पन वल टुर पिया। जू जू ए जवान आंदा जा रहा मेरियां सदरां जवान दियां जा रही। अर्ज कीती सुने फिर भी वेले आ गए इहदे वाल काले हो गए मेरे चिट्टे हो गए इहदी कमर सीधी हो गई मेरी कमर झुक गई इहदे ते जवानी दी बहार आ गई मेरे ते बड़े पे दी खिजा आ गई। अर्ज कीती कमली वाले आओ ए मेरियां कमाइयां खान वाला अज एडा वड्डा हो गया है अज नबी दी बारगाह च मेरियां शिकायतां करदा है। अर्ज कीती कमली वाले दसो मेरे पुत्र ने की शिकायत की है? मेरे आका ने फरमाया बाबा ये नौजवान कहंदे अब्बा जी मेरी तनख्वाह रख लैंदे ने अब्बा जी खर्चा मंगदे ने मेरे बीवी बच्चे मैं खर्चे किवें पूरे करा। नबी करी उन्हें जो इन्ना फरमाया बाबा जी खां मार के रो पिया। अर्ज करदा कमली वाले ये मेरियां कमाइयां खा के जवान आने वाला अज दियां कमाइयां जो मेरे हिस्से मुक गए ने। अर्ज करदा कमली वाले आओ मैं ते पैसे की करने ने सोने वडेरा हो गया कमान जोगा नहीं रहा। कमली वाले आ मेरियां भैणां मिलन आउंदियां ने इहदियां फुफियां आउंदियां ने मेरियां बेटियां इहदियां भैणां आउंदियां ने। मैं सुनिया नबी ने फरमाया जदों
धीया ते बैना बुवे आ जान उन्हां नूं खाली ना भेजे आ जाए कमली वाले ए दिया ते मेरिया बहना आउंदिया ने इहदे कोलों पैसे लैके इहदियां फुफियां दे दियां बहना नूं दे देना कमली वाले मैं दी कमाई की करनी है नौजवान बाबा नाल रोंदा है नाले अपनी दर्द दी दास्तान सुनांदा है सहाबा धाड़ा मार के रो रहे मेरे नबी दियां कद छम छम अथरू ने बाबे ने अर्ज की कमली वाले के तुसी फरमा दे इहदियां कमाइयां च जे मेरा हिस्सा कोई नहीं कमली वाले मैं बोला गई नहीं इहदे कोलों कदे कुछ नहीं लवांगा मेरे आका दियां कद अथरू ने सारे हुण नबी दे चेहरे वल वेख रहे ने कमली वाला केड़ा फैसला करेगा सरकार अपनी जगह ते उठे ओ नबी जेड़ा पत्थर मारन वाले मैनू भी दुआवा देंदा है पता नहीं मेरे नबी दे दिल च किन्ना कु गम पाप दया आओ सरकार ने उठ के उस नौजवान दे सीने ते मुक्का मारिया मेरे आका फरमाया पाप दिया शिकायतां करन वाले आओ सुन मुहम्मद दा फैसला की है फरमाया आंता वा मालुक अली अबी का फरमाया मुहम्मद दा फैसला एवे जिवें तू तो अपने बाप दा है तेरा माल भी तेरे बाप दा मेरे नबी दे बुवे दा फैसला फरमा अंत व मालुक अली अबी का फरमा जी मैं तू अपने बाप दे तेरा माल भी तेरे बाप दे तेरा माल भी तेरे बाप दे जो तू ही बाप दे तो अपने बाप दे जिस्म दा हिस्सा है ते माल बेच जदों आवे ते वंड पा देवे ते तनखा 20,000 मिले ते 1,000 रुपया अब्बा जी नूं कहवे कि अब्बा जी तुहाडा हिस्सा है तू कौन होवे बाप दे हिस्से निकालन वाला तनखा रख बाप दी तली ते अबू जी मेरा हिस्सा मेनू दे दियो अबू दे हिस्से ना निकाल अबू को अपना हिस्सा ले तेनु नहीं पता तेस बाप ने तेनु किडे दुख नाल पाले ओ बाप जेड़ा सारी जिंदगी सऊदी अरब गुजारा हुंदा ओ बाप 20वीं मंजिल ते जाके सऊदी अरब दी गर्मी विच दिहाड़ी लाके आंदा क्यों पाकिस्तान च मेरा पुत्र जेड़ा मैट्रिक दे पेपर पिया देंदा ना ओनु गर्मी ना लगे ओ एसी वाले कमरे च बैठ के पढ़े बाप जड़ा इतनी मेहनत नाल तेनों पाल के उदू पाकिस्तान आंदा जदों नु शुगर हो जांदी उदू पाकिस्तान परदेसां च वापस आंदा जदों सारी जिंदगी तेरे वास्ते परदेसां च गुजारांदा है पुत्र जवान होके फिर बाप दियां अखियां च अखियां पा के वेखे ते बाप नु हार्ट अटैक नहीं होना ते होर की होना उस बाप दा कलेजा ना फट जावे जिन्हें दुखां नाल तेनों पालिया गिरामी कदर हजरात जिन्हां दे जिंदा ने अल्लाह उन्हां दियां हयातियां लंबियां करे अल्लाह साए सलामत रखे ते जिन हां दे टुर गए नबी पाक दे वालदैन दा सदका अल्लाह उन्हां दियां कब्रां नूं मुनव्वर फरमाए अपने मां बाप दा अदब करो सुबह उठ के अबू दे हाथ ते अम्मी दे पैर चुमिया करो जाओ जमाने च तुहाडी कंड कोई ना ला सकेगा ते जिन्हां दे दुनिया तों टुर गए ओह जुमे वाले दिन जाके मां दी कब्र ते मां दे कदमां वल्लू ते बाप दे हथ वल्लू बुसा लिया करो कब्र दा यकीन करे जे जमाने च कंड कोई ना ला सकेगा।